अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम चौथा स्कूल के मेज़बान जवाद फैजी साहब है, साहबजादा जवाद फैजी साहब। एक ऐसा उन्होंने कलाम पेश किया, उस कलाम ने हमारी जो साफ़ती जदोजहद थी उसमें एक नई रूह तो फूंकी, मगर उसके बाद आज वो हमें अमलन नज़र आ रहा है। पूछेंगे जरा जवाब फैज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, की लग रहा सर? आज कौन जी लग रहा है? जो लगता है आज जो हो गया है वो, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं मुसलसल कई दिनों से ये देख रहा हूँ, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, और जो होने जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मुल्क की इज्जत, नामूस, वकार, आइन, बालादस्त यार जेड़ी मुल्क दे अदालतों के दरवाजे राती घर बजे खुल जाए, इसका मतलब है वो बड़ा मुतहर्रक मुल्क है। तो अल्लाह करे आइन बच जाए और आइन से खेलने वालों को बड़ा सजा मिले। आपका क्या ख्याल है, सजा मिलेगी या माजी की तरह जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें लटकाई गई, जब अदारों के ऊपर हमले हुए, तब भी तो कुछ नहीं हुआ? तो यार वो शलवारा नहीं, हूँ ऊंचे पजामे नहीं पाए, दोनों नहीं रह गए। और दूसरी बात ये है कि इसी मुल्क में परवेज मुशर्रफ को डी चौक में सजा की बात हुई, नून लीग किधर गई? और वही इमरान खान जो कहते थे, मुझे खुद कहा मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कि जी परवेज मुशर्रफ को पता ही नहीं है कि क्या होना है, उस पर लाल मस्जिद केस पढ़ना है, उस पर मुक्ति का केस पढ़ना है, उस पर कबायली इलाका जात के केस पढ़ना है। तो यार ना इन क्या करना है यार, मुझे पता है, छोड़ दे बस। जो आप रहे हो जब जाएगा इमरान, आज आप क्या कहेंगे? यार मैं आज भी ये सोच रहा हूँ, पहले कौम की बेटियों को सड़कों पे नचा दिया, मदीने का हवाला देके पागल बना दिया, ओ बड़ा आया तू कप्तान। कल मुझे पीटीवी वालों ने बताया कि कौम के सामने तो एक दफा रोता नजर आया, चार दफा रोए हैं खान साहब, और आपने अपने प्रोग्राम में वो जिक्र भी किया, और दो दफा एडिट हुआ है वो, और इसका मतलब है छह दफा, और हिचकियां लेता, बराई हुई आवाजें लेता मेरे मामलों। क्यों? रमजान भी चल रहा है, कुरान पाक भी चल रहा है, और साथ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपको बताए? नारा क्या है? बुराई, अच्छाई, नहीं नहिया अनिल मुनकर, अमर बिन मारूफ। हाँ जी, ये देखा दोस्त ने कह दिया अमर बिन मारूफ, मैं जान के कह रहा था कि कितने लोगों को याद है। अमर बिल मारूफ की बात आप करेंगे ईशा के बाद रक्स व सुरूर की महफिल लगा के, मैंने तो एक प्रोग्राम में कहा था कि बाद नमाज ईशा महफिल रक्स व शबीना होगी, वही हो रही थी बस। इस तो की मेरे ख्याल बस नज़म, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब सुननी चाहिए, नहीं वो कौम की बेटियों तक थोड़ा सा और भाई आखिरी काफ़ी है, जिसपे सारे सियासतदान भी परेशान हो गए थे कि न्याजी को लाने वालों शौक पूरा हो गया, नए के चक्कर में पुराना कहीं खो गया, शर्मिंदा हुए हो घर मेरी, कर दो अपने जुर्म का ऐलान, बचा लो मेरा, लेकिन जो आ रहे हैं ओ करना त्यान, बहुत शुक्रिया जी, ये थे जवाद फैज साहब, और आपको पूरा इनका जो नज़म है वो भी सुना दें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। यार बतौर शायर बोल दो, साफ़ी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है, तो उसमें ये था कि जब जाएगा इमरान छूटेगी जान, बचेगा मेरा पाकिस्तान, बचेगा मेरा पाकिस्तान, पहले कौम की बेटियों को सड़कों पे नचा दिया, फिर मदीने का हवाला देके पागल बना दिया, गैरत तो हमियत को नशे में उड़ा दिया, ओ वड़ा आया तू कप्तान, ओ जान छड़ दे साड़ी जान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। अब मौलाना बैठे हुए तो मैं कह सकता हूँ ओ मौलाना फजलुर रहमान, वो शाहिद खान साहब या जो भी कह लो अफसर खान। अच्छा।
नौकरियों के जासे दे के चूना लगा गया, मीडिया की आजादी पे पाबंदियां लगा गया, और लाया अदालती ओ माशी बरान, ओ जा छड़ दे साड़ी जान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। फिर ये था हैदरी साहब के कारोबार तबाह किए मंगता बना दिया, चीनी आटा छीन लिया कासा पकड़ा दिया, और लाया महंगाई का तूफान, और जा छड़ दे साड़ी जान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। आखिरी बंद के पैसे रहता होंगे आप सब के न्याजी वोटर भी तो लाए हैं ना बहुत आपकी जान से। न्याजी को लाने वालों शौक पूरा हो गया, नए के चक्कर में पुराना कहीं खो गया, शर्मिंदा हुए हो घर मेरी जान, कर दो अपने जुर्म का ऐलान, बचा लो मेरा पाकिस्तान। इस पे सबके मुंह बन जाते हैं, पर मैं बाद में पूछूंगा आपसे बतौर साहब।